नमस्कार दोस्तों, हमने ज्ञानात्मक भावात्मक पढ़ लिया, अब क्रियात्मक रहा है उसके उद्देश्यों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। फिर इसके साथ ही आपके ये उद्देश्य हैं पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमेशा बनते हैं, तो इस बार भी संभावना बनती है कि कोई व्यवहारिक शब्दावली से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए अब लास्ट पढ़ते हैं हम क्रियात्मक वर्ण। क्रियात्मक के उद्देश्य नंबर 3 पर हैं। क्रियात्मक पक्ष और इसके उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर हम सन 1972 में जो दिए एज़ो हेरो, ये इसके बारे में पहले मैं बात कर चुका हूँ। एज़ो हेरो ने दिया, सिम्पसन ने दिया, दुबे ने दिया, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या क्या इन्होंने दिया था। तो इन्होंने 6 प्रकार के उद्देश्य दिए हैं भाई, 6 प्रकार के, और वही क्रम होगा कौन सा, सरल से जटिल वाला, यानी जो सबसे पहले होगा वो सरल होगा, फिर उसमें हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, सरल से जटिल की ओर बढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला आपका आता है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, नंबर 1 पर हम बात करेंगे और एक एक करके अच्छे से हम इसके नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना भाई, अच्छे से बना लेना। सहज अंग क्रियात्मक संचालन, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मोमेंट इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, रिफ्लेक्स मोमेंट, ठीक है। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, अब देखो सहज यानी जो ऑटोमेटिक हो, जैसे छींकना है, कोई चीज आप निगल रहे हैं, कोई चीज काट रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहां पर आएगी, सहज यानी ये अपने आप चीजें होती हैं, तो इसी के बारे में आप लिखेंगे। तो जैसे आप उदाहरण लिख सकते हैं, बाकी आपको ये नाम याद रखने हैं भाई, सीधे नाम याद रखने हैं और इनकी व्यवहारिक शब्दावलियाँ वही एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो सहज नाम से स्पष्ट है, सहज यानी जो अपने आप चीज़ें होती हैं, जैसे छींकना हो गया, निगलना हो गया, पलक झपकाना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, सहज के अंदर, तो ऐसे आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, कोई इसके अंदर कोई करने की इच्छा नहीं होती, तो ये बिना इच्छा के होते हैं, बिना इच्छा के जैसे लिख सकते हैं आप छींकना हो गया, जैसे छींकना, पलक झपका रहे हैं आप, कोई इच्छा थोड़ी ना आपकी पलक झपकानी, ये तो ऑटोमेटिक है झपकेगी, झपकाना, काटना, छींकना, पलक झपकाना, काटना, सीधा करना, कोई चीज़ को आप सीधा कर रहे हैं, किसी चीज़ को झटका दे रहे हैं, झटका देना, ये नाम याद रखने हैं बस भैया आपको, सीधी सी बात आपको मैं ये बता दूं, लंबा करना, ये जो कार्य आएंगे, फैलाना, स्थिर करना, ये सारे नाम क्या आएंगे इसके अंदर आने वाले हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। कोई रोक रहे हैं, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, रोकना, कड़ा करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, सहज क्रियात्मक अंग संचालन के अंदर। तो ये पहला है, इसको लिख लीजिए आप, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद देखिए दूसरा आधारभूत अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, ये देखिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है भाई। दूसरा ये तो हो गया जिसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो दूसरा होगा उसके अंदर आप स्वाभाविक रूप से अंग संचालन करेंगे, नंबर 2 पर है आधारभूत अंग संचालन। फंडामेंटल मूवमेंट, फंडामेंटल मूवमेंट, आधारभूत अंग संचालन, ये दूसरा स्तर है, सीधी सी बात है, और इसके अंदर देखिए बालक है वो स्वाभाविक रूप से अंगों का संचालन करता है, तो ये देखिए क्या होगा, स्वाभाविक रूप से यानी इच्छा के अनुसार, जैसे
यानी ये चीज़ें स्वाभाविक है, सीधी सी बात है, कोई बालक है वो इन चीज़ों को करेगा, जैसे रेंगना है बालक रेंगता है, जैसे चलना है दौड़ना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाथ हिलाना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्वाभाविक है, कोई चीज़ फेंक रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, स्वाभाविक रूप से चीज़ें हैं। तो ये आप लिख सकते हैं जैसे जैसे हाथ हिलाना, हाथ हिलाना, पैर चला रहे हैं आप, पैर चलाना, पकड़ना, रेंगना, बच्चा रेंगता है ना, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगे, घुटनों के बल चलना, बल चलना और पीना, कोई भी चीज बच्चा पी रहा है, तो ये चीजें स्वाभाविक सी बात है कि ये होंगी होंगी। तो दूसरा है आधारभूत अंग संचालन, छह है इसके, छह के बारे में हम बात करेंगे, इसको लिखो। फिर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं शारीरिक रूप से, तीसरा आएगा शारीरिक रूप वाला, शारीरिक योग्यताएं एक बालक के अंदर होंगी और कौन कौन सी उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। ठीक है, लिख लिया क्या? देखिए शारीरिक योग्यताएं आ जाएंगी। अब शारीरिक योग्यताएं क्या होंगी, यानी बालक की जो शरीर से संबंधित योग्यताएं हैं जिनमें बालक अंगों का संचालन करता है और उनमें विकास करता है, अंगों का संचालन करता है तो और उससे अंगों का संचालन होगा, उसमें क्रियाएं करेगा तो उससे अंगों में विकास होगा, यही शारीरिक योग्यताएं हैं। यानी कोई खेलों में अच्छा प्रदर्शन करना क्या है, शारीरिक योग्यताएं हैं। कोई चीज़ को सुधार रहे हैं, कोई चीज़ को टुकड़ा कर रहे हैं, ये क्या है, इसके अंदर अंग संचालन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। नंबर तीन पर, तीन नंबर शारीरिक योग्यताएं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लिख सकते हैं आप मुख्य उद्देश्य, बालक के शारीरिक अंगों में जो संचालन होता है उसमें परिपक्वता लाना, शारीरिक अंगों के संचालन में अंगों के, देखिए यहाँ पर मैं नोट्स थोड़े ही लिखवा रहा हूँ भैया आपको साथ साथ में, लेकिन चीज़ें तो बता देता हूँ, बाकी नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता तो देता हूँ लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि नोट्स लिखने पर हम कम फोकस कर रहे हैं, क्लासेस के अंदर आपको मिल रहे हैं तो बेवजह की ज़्यादा चीज़ें क्यों लिखें, तो थोड़ा थोड़ा लिखवा रहा हूँ मैं। अंग संचालन, शारीरिक अंगों के संचालन में परिपक्वता लाना, ये चीज़ें आप समझ सकें, नॉर्मल चीज़ें हैं, परिपक्वता लाना। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं कोई भी खेलों के अंदर अच्छा प्रदर्शन करना है, जैसे खेलों में अच्छा प्रदर्शन करना, इसकी व्यवहारिक शब्दावलियां भी याद रख लेना, खेलों में अच्छा प्रदर्शन करना, व्यवहारिक शब्दावलियां भी लिखवाता हूं मैं। देखिए अब कोई चीज को आप शारीरिक योग्यताएं क्या हो जाएंगी, कोई चीज को आप आरंभ कर रहे हैं, कोई चीज को सुधार रहे हैं, सहन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके शारीरिक योग्यताओं की व्यवहारिक शब्दावलियाँ होंगी और उससे नाम से स्पष्ट है कोई चीज़ का टुकड़े कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्यवहारिक शब्दावलियाँ। तो यही मैं लिखवा देता हूँ आपको, व्यवहारिक शब्दावलियाँ, ये ज़रूर है भाई, व्यवहारिक शब्दावलियाँ याद रखना, कोई भी आपको नहीं करवाएगा इतने ही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आरंभ करना, सुधारना, कोई चीज़ को आप सुधार रहे हैं, सुधारना, सहन करना, आगे है संचालन करना, नेक्स्ट संचालन करना, संचालन करना, बढ़ाना, कोई चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, चालू करना, टुकड़े टुकड़े करना,
कोई चीज कर रहा है उसे रोक देना, रोकना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? इसकी व्यवहारिक शब्दावलियां याद रखनी है। क्या है? आरंभ करना, सुधार करना। कोई चीज के अंदर सुधार कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं आप, सहन शक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए। कोई चीज का आप संचालन कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? और कोई चीज को आप बढ़ा रहे हैं, कोई टुकड़े टुकड़े करना है, कोई चीज को आप रोक रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? शारीरिक योग्यता के अंदर आएंगी। तो आप इसे लिख सकते हैं। लिख लो इसको। अब आगे आता है भाई प्रत्यक्षीकरण, यानी प्रत्यक्षीकरण आप नाम से स्पष्ट है। कोई चीज आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा चीजों को सीखते हैं, उनके द्वारा आप चीजों को ग्रहण करते हैं और आप व्यवहार के अंदर उन चीजों को लाते हैं। सीधी सी बात है, प्रत्यक्षीकरण, ऑब्जर्वेशन, आप कोई चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? जिससे जैसे आप कोई चीज को स्पर्श करके पता चल जाएगा, ऑब्जर्वेशन, या आप देखो ऑब्जर्वेशन करेंगे, या फिर आप प्रत्यक्षीकरण अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा चीजें देख रहे हैं, कोई चीज देखकर वो रस्सी कूदना सीख रहे हैं, तो रस्सी कूदना आप देखिए सीख लेंगे भाई, ऐसे ऐसे रस्सी कूदी जाती है, लेकिन आपके माइंड के अंदर ये चीजें कैसे परिवर्तन होगा कि यहाँ पर आएगी तो मुझे जंप करना है, तो ये सारी चीजें प्रत्यक्षीकरण से होती हैं। रस्सी कूदना क्या है? प्रत्यक्षीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। यानी आप रस्सी कूद रहे हैं, आप सीख जाएंगे कि वैसे ऐसे आएगी तो पास में कूदना है, लेकिन उस टाइम जिस वक्त आप कर रहे हैं वो क्रिया, तो आपका ये माइंड ऑटोमेटिक कहेगा कि आपको यहाँ पर जंप करना है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण में क्या है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा एक बालक ज्ञान को ग्रहण करता है। तो यही इसके बारे में हम बात करते हैं। कोई चीज सुनकर, कोई सूंघकर, स्पर्श कर, ये जो चीजें हैं वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण की योग्यताएं आएंगी। नंबर चार पर है, तो इसके अंदर मेन चीज है ज्ञानेंद्रियों द्वारा सामंजस्य स्थापित करके बालक सीखता है और कोई व्यवहार है वो सीखा जाता है। प्रशिक्षण की जरूरत होती है इसके अंदर। नंबर चार है प्रत्यक्षीकरण। सीधी सी बात है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यानी सीधा से लिखते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सामंजस्य स्थापित करके कोई व्यवहार आप सीख रहे हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यह मैंने समझा दिया पहले, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सामंजस्य स्थापित कर, कर कोई व्यवहार सीखा जाता है। ठीक है, यहां पर आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे सीधी सी बात है, जैसे कोई चीज आप स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करके बालक कोई चीज स्पर्श करेगा, सीधी सी बात है, तो उसे प्रत्यक्षीकरण ऑटोमेटिक होगा ज्ञानेंद्रियां। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो आग के पास आता है, तो चीजें देखो एक बार, वो कोई मान लीजिए कोई गर्म बर्तन है जिसके अंदर पानी गर्म हो रहा है, तो उसको वो छू देगा क्योंकि उसे पता नहीं है, लेकिन छू देगा तो वो स्पर्श करेगा, स्पर्श करते ही उसकी ज्ञानेंद्रियां उसको बता देगी कि भैया आगे से ऐसी कोई भी वस्तु को हाथ मत लगाना जो गर्म है, जो जिसके नीचे आग जल रही है। तो ऐसी ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे जीवन के अंदर, कोई अचानक से थोड़ा सा चीज़ें सीखता है। अब आपको पता है आग के पास नहीं जाना, लेकिन बालक छोटा बच्चा है उसको तो कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो पाश्विक समान होती है, पशु के समान होती है, तो वो तो ऐसे ही मटर गस्ती करता हुआ आग के पास चला जाएगा, और जैसे ही उसको छुएगा, स्पर्श करेगा, तो उसे गर्म लगेगा, फिर उसे पता चल जाएगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो गर्म है उसको हाथ नहीं लगाना। तो ये धीरे धीरे कैसे चीज़ें सीख रहा है? अपने ज्ञानेंद्रियों में सामंजस्य स्थापित करके प्रत्यक्षीकरण द्वारा ही व्यवहार को सीखा जा रहा है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। स्पर्श करके, सूंघ कर, स्पर्श कर, सुनकर, सूंघ कर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रत्यक्षीकरण। और रस्सी कूदने का उदाहरण भी आप याद रख सकते हैं। रस्सी कूदना मैंने समझा दिया आपको नोट्सों के अंदर, अच्छे से मैंने पूरी प्रॉपर लाइन लिख रखी है, उसके बारे में भी आप देख लेना। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो व्यवहारिक शब्दावलियाँ मैंने आपको बता दी, इसके अंदर कोई चीज़ है, बालक छूकर, स्पर्श करके, सूंघकर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, कोई पहचान रहा है, ये सारी व्यवहारिक शब्दावलियाँ ही हैं। ये एक दो और लिख सकते हैं आप, कोई देखिए, सुनकर पहचाना, संतुलन करना, फेंकना, संतुलन, ये चीज़ें याद रखना बस, संतुलन करना, फेंकना, पहचानना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्यवहारिक शब्दावलियाँ ही हैं आपकी। कोई चीज़ को मोड़ रहे हैं, समर्थि चित्रण, मोड़ रहे हैं, मोड़ना, समर्थि चित्रण, ये सारी क्या हैं आपकी, व्यवहारिक शब्दावलियाँ। ठीक है, चलिए नंबर 5 पर हम बढ़ते हैं आगे, लिख लो इसको आप। अब देखो ऑटोमेटिक चीज़ें याद रखनी है। अब देखो कौशल, इसके बाद प्रत्यक्षीकरण के चीज़ें सीख ली उसने, प्रत्यक्षीकरण जो चीज़ें वातावरण से सीख रहा है, लेकिन उसके बाद कौशल युक्त अंग संचालन। अब कौशल है तो यानी उसके अंदर तो विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे कोई तैर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गायकी कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होती है, विशेष प्रशिक्षण आपको देना पड़ता है, तभी बालक वो चीज़ें सीखता है। लेकिन ये तो क्या है, आप वातावरण द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीख रहे हैं, तो एक एक चीज़ कनेक्ट करके चलिए, ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं, कोई अचानक से सीधे नहीं सीख के जाती। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 5 पर, बस ये एक दो चीज़ें रही हैं, कौशल युक्त अंग संचालन यानी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसके अंदर, नंबर 5 कौशल युक्त अंग संचालन, कौशल युक्त अंग संचालन, स्किल्ड मूवमेंट। इसके अंदर क्या होगा, देखिए स्किल्ड मूवमेंट यानी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, सीधा सीधा लिख देंगे, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे आप उदाहरण लिख सकते हैं सीधे सीधे, जैसे तैरना, नृत्य करना, कोई आप टाइपिंग सीख रहे हैं, टाइप करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, कौशल युक्त अंग संचालन के अंदर आएंगी। कोई चीज़ आप जैसे कोई स्वेटर वगैरह बना रहे हैं तो बुनाई करना, आदि, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, इसी के अंदर आएंगी। नंबर 6 पर लास्ट बात करते हैं, सांकेतिक संप्रेषण। नंबर 6 सांकेतिक संप्रेषण, संकेत के द्वारा वो बिना कुछ बोले अगले को समझा दे, सांकेतिक संप्रेषण। यानी देखिए सांकेतिक संप्रेषण यानी संकेत के द्वारा बालक है बिना कुछ बोले, यानी किसी संकेत द्वारा ही, यानी देखो बिना हाव भाव द्वारा ही, भाव भगीमा द्वारा किसी चीज़ की नकल उतार रहा है, यानी कोई मिमिक कर रहा है, यानी कुछ बिना बोले ही वो चीज़ें समझा दे कि वो किसके बारे में कर रहा है, कुछ चित्रांकन कर रहा है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, सांकेतिक संप्रेषण। यानी लिख सकते हैं ये क्या है, पहले तो उच्चतम स्तर है किसका, क्रियात्मक का उच्चतम स्तर, बालक बिना कुछ बोले अपने भावों को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त करना, अपने भावों को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त करना। देखो ये चीज़ें एक याद रखनी है आपको, कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त करना, जैसे कोई चीज़ की आप व्यवहारिक शब्दावलियाँ लिख सकते हैं, नकल उतारना, भाव भगीमा करना, व्यवहारिक शब्दावलियाँ, नकल उतारना,
चित्रांकन भी करना या कोई मानचित्र वगैरह बनाना, या देखो मानचित्र से आप सीधी सी तौर पर आप बता सकते हैं, चित्रांकन मुस्कुराना, चित्रांकन नकल उतारना, चित्रांकन भावभगीमा, मुस्कुराना खड़ा होना, ये सारी चीजें क्या हैं? मुस्कुराना खड़ा होना, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? सांकेतिक संप्रेषण के अंदर आएंगी। ये था कौशल युक्त अंग संचालन और ये है आपका सांकेतिक संप्रेषण, यानी अपने जो भावों को है बिना कुछ बोले बालक व्यक्त कर दे। चित्रांकन चित्र के द्वारा वो व्यक्त कर सकता है बिना कुछ बोले, कोई चीज़ की बस नकल उतार रहा है ऐसे हाव भाव द्वारा, तो वो भी क्या किसके अंदर होगा? कोई चीज़ मुस्कुरा रहा है, खड़ा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सारी चीज़ें क्या हैं? कौशल युक्त ये आपके सांकेतिक संप्रेषण है और कौशल युक्त अंग संचालन के अंदर कोई टाइप करना, नृत्य करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इनको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट चीज़ रही है इसके अंदर, छोटी सी चीज़ है। अब ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ब्लूम का जो संशोधित वर्गीकरण था, अब उसमें संशोधन करेगा, क्राथवाल ने संशोधन किया, एडरसन ने, क्राथवाल और एडरसन ये नाम पूछे जाते हैं कि इन्होंने संशोधन किया, तो क्राथवाल और एडरसन ने ब्लूम की जो वर्गीकरण थी उसके अंदर संशोधन किया। उसके अंदर देखिए क्या बताया, पहले तो ब्लूम ने तो वो जो चीज़ें पता होगी आपको, याद वाली चीज़ें हैं, देखिए ज्ञान, अवबोध, संबंध वाली, उसमें संज्ञात्मक शब्दों को प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर क्रिया के रूप में शब्द होगा याद करना, संबंध विकसित करना, तो इस प्रकार ये चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। तो एक और चार होंगे, दूसरी और छह पक्ष आपके होने वाले हैं, सभी को हम बात करते हैं और फिर उसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप नोट्सों के अंदर देख लेना क्या था कि जो बातें लिख रखी हैं, ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, संज्ञा शब्दों के आधार पर। मैं यहाँ पर सीधा ब्लूम वाला वो लिख देता हूँ, ब्लूम का संशोधित रूप है, कई बार पूछा जाता है उसके अंदर क्या होगा, कौन सा चेंज है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर तो लिखेगा ज्ञान के आयाम, यहाँ लिख सकते हैं ज्ञान, ज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया, थोड़ा सा लाइनें खींच सकते हैं इसके अंदर, इधर आपको छह लाइनें खरीदनी है, छह लाइन खरीदनी नहीं, खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा, अब अपने क्रिएट करते हैं इसको, तो एक ये हो गई, यहाँ आपका दूसरा हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो गया, पांच हो गया, और ये लास्ट छह हो, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ नीचे वाला, तो कुल मिलाकर ये आपका बन गया है। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ होंगे चार, ठीक है, यानी एक तो हो गया आपका नंबर एक तथ्यात्मक, यहाँ लिखता हूँ, बस ये याद रखने और कुछ नहीं, इसके अंदर समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल, बस इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर ये नाम आते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा खींच सकते हैं इसको। दूसरा हो जाएगा आपका सैद्धांतिक मान, ठीक है, सैद्धांतिक मान या कंसेप्चुअल कह सकते हैं आप। तीसरा प्रक्रियात्मक, बस ये नाम आपको याद रखने हैं, प्रक्रियात्मक। और चौथा आपका है मेटाकोग्निटिव, अब यहां पर देखिए जो पक्ष आएंगे, याद करना, यहां लिख लीजिए, ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है, छह किस्म यहां लिखते हैं,
ठीक है। अब देखो यहां तो होगा भाई, देखो याद करना, याद करना, समझना, प्रयोग करना, विश्लेषण। एक चीज याद रखना, देखो इसके बाद विश्लेषण के बाद जो मूल टैक्सोनॉमी थी उसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, मूल टैक्सोनॉमी के अंदर विश्लेषण के बाद संश्लेषण आ रहा था और उसके बाद मूल्यांकन आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, विश्लेषण के बाद मूल्यांकन आ रहा है, ये चीज याद रखनी है, और उसके बाद आ रहा है आपका निर्माण करना या संश्लेषण करना, निर्माण करना, बस ये इतना याद रखना है आपको। ये दो चीजें हैं, इनका स्थान परिवर्तित हो गया है, जो पांचवा और छठा है वो आपस में बदल चुके हैं, पांचवा और छठा आपस में बदल चुके हैं, और यही आपको याद रखना है भाई, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो दोबारा वर्गीकरण किया गया है उसके अंदर संशोधन किया गया है, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मूल्यांकन और निर्माण करना, तो यही आपका। तो इसी के साथ आपका ये ज्ञानात्मक उद्देश्य आपका कंप्लीट हो चुका है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक तीनों उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य हमने पढ़ लिए हैं, गणित के अंदर शिक्षण उद्देश्य हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आगे आगे जो टॉपिक्स आएंगे टीचिंग मेथड्स, उसके बारे में हम लगातार बातें करते रहेंगे। फिर बाद में जो आपका मूल्यांकन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कोई नहीं करवाता है, वो हम करवाएंगे आपको, और बेहतरीन तरीके से आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।